मकसद था कि आपको YouTube पर ना नई से नई चीज दिखाऊंगा। अस्सलामुअलैकुम खालिद भाई, क्या कर रहे हो? वालेकुम सलाम, हम जा रहे हैं प्लांट विजिट करने। प्लांट जी, फार्म आ गया हमारे पास। सही हो गया। तो ये बेसिकली अगर कोई आपका गेस्ट वगैरह आता है तो आपके पास ये प्लांट विजिट फार्म होना चाहिए। ये मैनेजर जो होते हैं ना हमारे, मतलब उनकी तरफ से साइन होता है, देन हम जो है प्लांट विजिट कर सकते हैं। प्लांट कौन सा हमारा ये है? प्लांट यूरिया प्रोडक्शन है हमारे, यूरिया प्रोड्यूस करते हैं हम। तो हम देखने जा रहे हैं कि यूरिया कैसे प्रोड्यूस होती है। चलें फिर। ओके जी, आओ। तो अब हम जा रहे हैं प्लांट की तरफ ना, तो आप लोगों को दिखाते हैं। ये सारा एरिया टाउनशिप है ना? जी, ये टाउनशिप है। अभी कुछ देर बाद हम जो बाउंड्री है प्लांट और टाउनशिप को जो सेपरेट करती है वहां पहुंचेंगे। तो ये है FFC ना, फोजीफाइड लेजर। तो देखिए कि किस तरह लाइक कैंट की तरह है ना खालिद? हाँ जी, बिल्कुल कैंट की तरह, साफ सुथरा। और ये देखिए ना गाइज, हम जा रहे हैं FFC के प्लांट पर ना, तो बाहर से विजिट करते हैं कि अपना FFC फोजीफाइड लेजर जो कंपनी है ना। तो मैं यहाँ आया हुआ था विजिट करने के लिए ना, खालिद भाई ने मुझे इन्वाइट किया था। तो और सुनाओ खालिद, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? ठीक है, ठीक। तो अब हम वहाँ जा रहे हैं, तो अभी हम टाउनशिप से निकले हैं। टाउनशिप है ये ना? हाँ जी, इंशाल्लाह बस 2 मिनट में हम पहुँच जाएंगे प्लांट साइट पे, तो आपको प्लांट दिखाते हैं। प्लांट साइट पे ना जी सर, भाई है मेरे। ठीक, उधर चले, मैंने कहा आपको बता दूँ। तो अब हम इंटर हो गए ना? हाँ, तो बहुत ही यहाँ मेरे घर में सिक्योरिटी सख्त होती है, चेकिंग होती है। तो हम ये प्लांट की तरफ आ गए हैं ना। तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा किसी अपना इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में गया हूँ। तो FFC प्लांट है पीछे ना, जो पूरे पाकिस्तान में खाद वगैरह प्रोवाइड करती है। खालिद, हाँ जी, ये सबसे बड़ा फर्टिलाइजर प्लांट है। ये सबसे बड़ा फर्टिलाइजर प्लांट है इसका ना। तो यहाँ पर हम लोग आए हैं, देखते हैं कि आगे किस तरह, मतलब विजिट भी करते हैं, चीज़ों को भी ऑब्जर्व करते हैं। तो मज़ीद हम दिखाते हैं आप लोगों को क्या है प्लांट, आप तैयार हो जाए। टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ पे, जो भी ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं एम्प्लॉयज़ की ना, किसी भी इम्प्रूवमेंट के रेफरेंस, कोई कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, सही टेक्निकल स्किल्स हो गई, यहाँ पे सारी ट्रेनिंग वगैरह होती है। सही, इसको टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर कहते हैं। अच्छा, इसको टेक्निकल कहते हैं। तो ये सामने है प्लांट ना, ये देख लेना, ये है FFC ना प्लांट। तो यहाँ ये दिखाना था जोन सा ना मैं ना, कि देख लें कि प्लांट है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो केनाल वाटर हम बेसिकली लेते हैं प्लांट साइड के लिए ना, तो यहाँ से आप तो व्यूअर्स को दिखा देंगे, पंप लगे हुए हैं यहाँ पे, ये वाले पंप है। हाँ, यहाँ से पानी हम लेते हैं। अच्छा, नहर जो आ रही है मसूआ केनाल, वहाँ से पानी जो ले रहे हैं। अभी नहर चल रही है? अभी भी, अभी नहर का पानी कम है। अच्छा अच्छा, हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी होता है, ट्यूबवेल लगे हुए हैं हमारे यहाँ। अच्छा, तो ये सामने प्लांट है, यही है ना FFC ना? तो मेन चीज़ यही दिखानी थी FFC ना प्लांट आपको ना। और देख लें कि यहाँ पे अनऑफिशियल बंदा कोई नहीं आ सकता। हाँ, और आपको बेसिकली परमिशन चाहिए होती है यहाँ पे, जो मैनेजर्स होते हैं वहाँ से उनकी परमिशन लेके फिर आप अंदर किसी को लेके आ सकते हैं। सही, ग्रेट। सामने जो है इसको कूलिंग टावर कहते हैं। ये जो सामने कूलिंग टावर है ये? हाँ सही, पानी को ठंडा करने के लिए बेसिकली ये मशीन लगी हुई है। पानी ऊपर आता है, सही, पानी नीचे गिरता है, हवा से कॉन्टेक्ट होता है, तो फिर ये ठंडा हो जाता है पानी। सही। अच्छा, ये है वो कूलिंग, ये कूलिंग टावर है। सही, यहाँ से पानी जो आता है वो आपको पानी भी दिखाई दे रहा होगा, ठंडा हो जाता है पानी यहाँ पे। तो हम इनके पास चलेंगे, आपको दिखाएंगे पास चल के। तो ये है प्लांट पूरा। Thank you.
तो ये है वो प्लांट ना जो कूलिंग कर रहा है ना इसका ना, ये जो गेन टाइप है ये क्या चीज है खालिद भाई? तो सफेर कहते हैं। क्या कहते हैं? सफेर। सफेर इसका क्या यूज है? वो अमोनिया स्टोर होती है पानी के फॉर्म में, अमोनिया। अमोनिया गैस होती है, अगर ये रिलीज हो जाती तो बड़ी जो है काफी खतरनाक गैस होती है, इस वजह से इसको सफेर में रखते हैं अंदर। सही सही सही। तो यहाँ से बेसिकली हम जो है वो यूरिया बनती है, तो अमोनिया उसका रॉ मटेरियल है। सही। अमोनिया इन स्टोर में जो आपको दिखाए हमने गोल बने हुए हैं इनमें स्टोर होती है अमोनिया। सही। ये भी कूलिंग टावर है। अच्छा, कूलिंग टावर। कूलिंग टावर है ये, बड़ा कूलिंग टावर है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में छोटा कूलिंग टावर है। एक दिन में कितने मतलब निकाल लेते हो कि बोरियां वगैरह हिसाब से? 50,000 बैग बनते हैं एक दिन में, 24 घंटे में 50,000 बैग। 50,000 बैग तो देख लेंगे कितनी मतलब इसकी प्रोडक्शन है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में सबसे बड़ी यही है ना? हाँ जी, सबसे बड़ा जो है वो फौजी फर्टिलाइजर के प्लांट है, ज्यादा। सही। प्रिलिंग टावर कहते हैं इसको, प्रिलिंग टावर। तो ये सामने है प्रिलिंग टावर ना, तो जहाँ से धुआं निकल रहा है वो देख सकते हैं आप सामने ना। हाँ ये है पूरा नक्शा ना, देख ले कितना प्यारा है सामने ना, FFC ना जो इंसान मेन है ना। हम विजिट कर रहे हैं, हमारा विजिट तकरीबन आधा हो चुका है। हम आपको बताते हैं, ये पीछे आप देख रहे होंगे उसको कहते हैं फर्नेस। यहाँ पे जो अमोनिया गैस बनती है ना, जो हमने सफेद देखे थे बेसिकली वहाँ पे वो स्टोर होती है, तो यहाँ पे बेसिकली गैस बनती है। ये जो है बेसिकली नेचुरल गैस जो हम घरों में जलाते हैं उसके थ्रू ये गैस बनती है यहाँ पे। देन जो वो फर्दर आगे हम जब जाएंगे प्रिलिंग टावर की तरफ तो आपको हम दिखा देंगे। यहाँ पे बेसिकली बिजली भी बनती है, स्टीम भी बनती है, वो सारे प्लांट साइड पे यूज होती है। ये सबसे बड़ी मशीन है प्लांट साइड पे, इसको ना रिफॉर्मर कहते हैं। यहाँ पे जो नेचुरल गैस है वो ब्रेक डाउन होके ना अमोनिया गैस बन जाती है। आप शोर सुन रहे होंगे, ये बेसिकली मशीन चल रही है तो उसका शोर आ रहा है। तो गाइज मेरा मकसद था कि आपको YouTube पर ना नई से नई चीज़ दिखाऊँ ना। तो पीछे देख लें, ये प्लांट मैंने दिखाना था। यहाँ पे मेरे कज़न है खालिद भाई, तो यहाँ पर एक इंजीनियर है। अब आगे कहाँ जाना हमने? अभी चलते हैं प्रिलिंग टावर जो आप देख रहे हैं, तो करीब करीब चलते हैं, आपको दिखाते हैं प्रिलिंग टावर। चलो ठीक है, शुक्रिया करते हैं। तो चलो खालिद भाई। हाँ खालिद भाई बताएं आप ना। ये दो टावर आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनको एब्जॉर्बर और स्ट्रिपर कहते हैं। ठीक हो गया। ये बेसिकली CO2 जो गैस होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, और एक गैस, एक जो टावर है वो क्या करता है CO2 गैस को निकालता है ना। चलो ये जो है टावर, दो एब्जॉर्बर और स्ट्रिपर, ये अच्छा, ये जो बड़े टावर है। अच्छा, तो ये जो सामने है ये जो उनसा जिससे धुआं निकल रहा है टावर, इसको हम प्रिलिंग टावर कहते हैं। इसके करीब हमने जाना है। इसका क्या मतलब की है वो? इसमें जो यूरिया के दाने बनते हैं ना बेसिकली, आप समझ लेंगे यहाँ बनते हैं। अच्छा चलो देखते हैं आगे इसको थोड़ा सा। ये आ गया प्रिलिंग टावर, आप इसकी हाइट देख सकते हैं। सही। इसकी हाइट जो है वो 210 मीटर है। 210 है। अच्छा, ये खतरनाक नहीं है इतने। ऊपर से जो है वो एक सोल्यूशन गिरता है। सही। बकेट में उसमें छोटे छोटे होल होते हैं, वो गोल घूमती है और नीचे जब गिरती हैं तो वो दाने बन जाते हैं खाद के, नीचे आके खाद बन जाती है। सही हो गया। तो अभी हम चलते हैं, आपको इसके बाद हम खाद दिखाएंगे, खाद जहाँ बन रही है और जहाँ ट्रक में लोड हो रही है। तो जो आप ट्रक रोड पे देखते हैं नेशनल हाईवे पे, वो आप रेल में देखेंगे कहाँ से लोड होते हैं। तो चलते हैं हम, ठीक है, आपको दिखाता हूँ। तो गाइज मैं यहाँ पे आया हूँ फौजी फर्टिलाइजर ना, तो देख लें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, इस तरह हम मजीद आगे पाकिस्तान के डिफरेंट जगहों पे जाएंगे डिफरेंट एरियाज में ना। तो ये देख लें, इसको मैं ऐसे नहीं देख सकता था, इसके लिए मेरे कज़न ने मुझे ऑफिशियल इजाज़त दिलाई है। यूट्यूब मेरे ख्याल में यहाँ बनाने देते, नहीं बनाते नहीं, वीडियो नहीं बनाते। तो वीडियो नहीं बनाए देते, लेकिन फिर भी हम लोग आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर आए। आए मजीद अंदर चलते हैं।
खाद यहाँ पे जो प्रेइंग टावर में बनती है वो आगे स्टोर रूम में जाती है। अच्छा, वो किस तरह मतलब के वो क्या सिस्टम, नीचे पैंप लगे हुए क्या चीज़ें, क्या होगा? पुलियाँ लगी हुई हैं, बेल्टें लगी हुई हैं, बेल्ट वो चलती जाती है, उस पर खाद होती है जाके स्टोर में चली जाती है। फिर जब स्टोर पे जाती है तो उसके बाद जो है बंदे वहाँ पे पैकिंग के लिए खड़े होते हैं, वो बैग्स में पैक कर रहे होते हैं सही, और उसको सिलाई करके जो ट्रकों में लोड कर रहे होते हैं। तो अभी हम आपको दिखाते हैं, खाद भी दिखाएंगे जहाँ होती है और जो लोड हो रही है वो भी दिखाएंगे। तो ये इलेक्ट्रिकल एरिया स्टोर हो गया, तो देख लें कि सामने वो ट्रक वगैरह भी वहाँ खड़े होंगे ना। तो देख लें हम आगे दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो जिस साइड पे ना वो स्टोर होगा ना इनका, ये कौन सा एरिया है, यूरिया स्टोर। तो हम अंदर जा रहे हैं जहाँ पर ना खाद वगैरह रखी होगी ना, तो देखते हैं हम लोग ना। ये क्या है सामने, ये खाद पड़ी हुई है, यही खाद है। तो बताएं खालिद भाई, ये कौन सी खाद है जो उनसा ना, ये इसे बल्क स्टोर कहते हैं। यहाँ पे जो खाद बच जाती है या जो पैक नहीं होनी होती वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाती है। तो ये जो सामने मट्टी की तरह पड़ी है, ये जो है वो देखते हैं खाद वो वहाँ पड़ी हुई है। अच्छा वाह, तो हम आगे मजीद जा रहे हैं जो उनसा जो चीज़ रहते हैं, तो खालिद भाई दिखाते हैं ना। अब कौन सी चीज़ जा रहे हैं, जहाँ पे पैकिंग होती है बैग्स में खाद के, बैग्स होती है ट्रकों में जो लोड होती है वहाँ, वो हम देखने जा रहे हैं। तो ये है लोडिंग स्टेशन ना, जहाँ पर खाद वगैरह लोड होती है, तो यहाँ मजदूर भी काम कर रहे हैं ना। तो ये मैनेजमेंट एरिया, पूरा प्लांट का आपको हमने विजिट कराया, आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं प्लांट का व्यू आ रहा है। एंड पे मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ कि जो प्लांट साइड है ना वो तीन हिस्से चार हिस्से में डिवाइड है टोटल ना। ठीक है। एक हिस्सा यूटिलिटीज कहते हैं जो पानी वगैरह सप्लाई करता है, पानी को ठंडा करता है। दूसरा जो है वो अमोनिया सेक्शन कहते हैं उसको, जहाँ पे अमोनिया बनती है। तो तीसरा सेक्शन है वो यूरिया सेक्शन कहते हैं उसको, वो ये यूरिया फर्टिलाइजर बनती है, जो प्रिंग टावर चल का जो एरिया है ना उसको यूरिया सेक्शन कहते हैं। उसके जो चौथा सेक्शन है वो बैगिंग एंड शिपिंग का, जहाँ पे बैग वगैरह बनते हैं, खाद स्टोर होती है और बैग लोड होती है। तो प्लांट को ना चार हिस्सों में डिवाइड करते हैं, यूटिलिटीज, अमोनिया, यूरिया और बैगिंग एंड शिपिंग। तो ये प्लांट है, आपको हमने विजिट कराया, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वकास के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो गाइज आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा हमारा व्लॉग ना। तो हमारा व्लॉग एंड अप हो गया है, तो इस वीडियो को ना कम से कम 1 मिलियन व्यूज़ तो देना, हमारी मेहनत ना ज़ाय ना हो। तो देख लें कि ऐसी जगहों पर आप नहीं जा सकते जहां हम आपको दिखा रहे हैं ना। तो शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।